आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल को किस तरह चेक कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल है या दो नंबर तो नहीं है, कहीं फेक मोबाइल तो नहीं है। इसके लिए चाहे वो नया मोबाइल हो या वो आपने सेकंड हैंड खरीदने जा रहे हो, आप दोनों मोबाइल्स को चेक कर सकते हैं कि वो फेक तो नहीं है, वो एक्चुअली में ओरिजिनल कंपनी का ब्रांडेड मोबाइल है भी कि नहीं। तो इसके लिए आपको मेरी ये वीडियो देखनी पड़ेगी शुरू से आखिर तक। तो आइए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बताता हूँ आपको कि किस तरह से मोबाइल को चेक किया जा सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एस्ट्रिक्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं नई मोबाइल टेक्नोलॉजी से मुतालिक नई नई इन्फॉर्मेशन और वीडियोस को लाता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कर दिया कीजिए ताकि मेरा कुछ भला हो जाएगा भाई इसमें। तो चलें इसको शुरू करते हैं वीडियो को और आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अपने मोबाइल को चेक कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल है या फेक है। और ये बिल्कुल ही एक नंबर तरीका है। मैं इसमें आप अपना हर कंपनी का हर ब्रांड का मोबाइल जो है वो आप चेक कर सकते हैं इस तरीके के ज़रिए कि वो ओरिजिनल है या फेक। अगर आप नया लेने जाएं तो भी आप चेक कर सकते हैं और अगर आप सेकंड हैंड ख़रीद रहे हैं तो भी आप चेक कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए आपको एक अपने दोस्त के या एक और जो दूसरा बाज़ लोगों ने दो मोबाइल रखे होते हैं तो दूसरे हैंडसेट की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आपको इंटरनेट आपका चल रहा हो और आपको अपना जो है मोबाइल का IMEI नंबर जो जानना वो बहुत ज़रूरी है। नए मोबाइल के ऊपर ये लिखा होता है, डब्बों के ऊपर ही प्रिंट होता है बारकोड की तरह का, उसके बजाय बारकोड बना होता है उसके नीचे बिल्कुल लिखा होता है ये IMEI नंबर। और जो आप लोग मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं या जो सेकंड हैंड ख़रीद रहे होते हैं उसका नंबर निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी जिसका नाम है IMEI इन्फो। ये आपको प्ले स्टोर से ईजिली अवेलेबल है। तो चले आइए पहले प्ले स्टोर पर इसको सर्च कर लेते हैं। ये देखिए आपको ये पांचवें नंबर पे नज़र आ रही होगी, मैंने इसको पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है ये। अच्छा दोस्तों, IMEI नंबर को चेक करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं लेकिन वो हर मोबाइल में काम नहीं करते। मसलन एक तरीका है कि आप लोग डायल पैड पे आ जाइए और *#06# मिलाइए तो आपका IMEI नंबर शो हो जाता है, जो अक्सर ब्रांडेड मोबाइल में हो जाता है लेकिन बाज़ दफ़ा चाइना के मोबाइल लोग जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें नहीं भी होता और बाज़ में हो भी जाता है। तो इस वजह से मैंने आपको ये एप्लीकेशन बताई है कि आपका IMEI नंबर बगैर किसी दिक्कत के आप लोगों के सामने आ जाएगा। आपको किसी कोड को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना बैटरी निकाल के पीछे से चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये एप्लीकेशन कर लीजिए। चलिए इस एप्लीकेशन को ऑन करते हैं और देखते हैं ये मेरा IMEI नंबर को शो करवाती है या नहीं करवाती। ये मैंने एप्लीकेशन को टच कर दिया है, अब ये लोड हो रही है। ये देखिए इसने मेरा IMEI नंबर निकाल दिया है। ये देखिए ये आप देख सकते हैं IMEI नंबर सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है। उसके बाद उसने मेरा ऑपरेटर भी दे दिया है, यूफोन और बाकी भी सिम से मुतालिक कुछ मालूमात हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहले टॉप पे आप देख लीजिए कि IMEI नंबर बिल्कुल उसने वही दिया है जो पहले मैंने आपको *#06# कह के शो करवाया था। तो इसी तरह से आप अपने मोबाइल का किसी भी मोबाइल का IMEI नंबर को जान सकते हैं। ये जानने के बाद आप वापस आ जाइए मेन पे और आपको ब्राउज़र में एक वेबसाइट को खोलना है जिसका नाम है IMEI.info। तो आप इसको खोलेंगे तो इसका इंटरफेस इस तरह का होगा, आप लोग देख सकते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर मैंने खोला है इसको। और यहाँ पे आपको ये सर्च बॉक्स मिलेगा जिसमें आपको अपना IMEI नंबर को डालना होगा और उसके बाद आपको चेक का बटन दबाना होगा। लेकिन उससे पहले ये आपको कैप्चा देगा और वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। और चले आइए यहाँ पे अपना IMEI नंबर मैं डाल लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसको क्लिपबोर्ड पे कॉपी किया हुआ था तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं कैप्चा को बताना पड़ेगा कि आई एम नॉट अ रोबोट। ये वेबसाइट ने अपनी सिक्योरिटी के लिए इस तरह की चीज़ें लगाई होती हैं ताकि बाज़ दफ़ा वायरस या रोबोट्स भी आके वेबसाइटों को ख़राब करते हैं या हैक करने की कोशिश करते हैं। तो ये कह रहा है सेलेक्ट ऑल इमेजेस विद द स्टोर फ्रंट, तो आपको यहाँ से वो जो चीज़ भी कहे आपको उसका उस तरह से उन सारी चीज़ों को टिक करके वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है। ये वेरीफाई कर देगा और उसके बाद आपने चेक का बटन दबा देना है।
विद इन वन सेकेंड ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन निकाल देगा। ये देखिए जैसे इसने मेरे फ़ोन की बिल्कुल इन्फॉर्मेशन निकाल दी कि इसका ब्रांड कौन सा है, इसका नंबर क्या है और ये कब लिया गया है, डिवाइस की टाइप क्या है, LTE नेटवर्क को सपोर्ट करता है नहीं करता, टच स्क्रीन है या नहीं, बैटरी किस तरह की है, मेमोरी कार्ड में क्या है, रैम कितनी है, हर चीज़ उसने निकाल के आपके सामने शो कर दिए। तो इसी तरह से आप भी जब अपने मोबाइल की डिटेल्स यहाँ से आप डालेंगे तो ये सारा कुछ इसमें बिल्कुल निकाल देगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इसको सेव भी कर सकते हैं मोबाइल में PDF के तौर पर भी, और आप उसको रख सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। आपको अपने मोबाइल के हवाले से कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, बल्कि अगर आप लोगों का इसमें अपने मोबाइल का जो है इन्फॉर्मेशन या डाटा शो नहीं होता तो ये 100% श्योर है कि आपका मोबाइल या तो दो नंबर है, फेक बनाया गया है, या चाइना की किसी कंपनी का है जो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाती, तो वो आपका मोबाइल बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और इसको अपने जो फेसबुक है, ट्विटर है के अकाउंट्स हैं या जहाँ जहाँ पे भी आप सोशल नेटवर्क्स पे हैं वहाँ पे आप इसको शेयर किया कीजिए। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।